अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ इजी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो आज फिर से मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी, जो है धुआं दही गोश्त की रेसिपी। तो फिर चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। धुआं दही गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे इलायची, 3 इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग। इन्हें 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 2 प्याज स्लाइस की हुई। प्याज ऐड करने के बाद मैं प्याज थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसे फ्राई करूँगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्याज जो है वो हल्की ब्राउन हो चुकी है, तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी मटन। यहाँ पे मैंने 1/2 kg मटन लिया है विथ बोन। अगर आप बोनलेस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और इसे अभी मैं हाई फ्लेम पे प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं मटन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आप इसे फिर से 2 मिनट के लिए फ्राई कीजिए। अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई धनिया का पाउडर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी हाई फ्लेम पे। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। ये मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाले का पाउडर 1/2 टीस्पून। और 1 मिनट के लिए इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कीजिए। फिर इसे मिक्स करके मैं इसका लीड लगाकर 3 से 4 सीटी आने तक इसे पकाऊँगी। अभी 4 सीटी आ चुके हैं, तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, मटन भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो फिर चलिए इसे चेक करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे मटन जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो अभी हम इसे एक कढ़ाई में या पैन में निकाल लेंगे। इसे कढ़ाई में निकाल लेने के बाद आप इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए और फिर अभी आप इसमें ऐड कीजिए दही। यहाँ पे मैंने 1/2 कप दही ऐड किया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और फ्लेम को ऑन कीजिए और इसे आप मिक्स करते हुए पकाइए। आपको इसे हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि पानी जो है वो अच्छे से सूख जाए। और अभी आप इसमें ऐड कीजिए धनिया के पत्ते। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका 10 मिनट पकाने के बाद इसका पानी जो है वो अच्छे से सूख चुका है और इसका तेल भी निकल आया है। इसका मतलब हमारा धुआं दही गोश्त बिल्कुल रेडी है। अभी इसका और एक स्टेप बाकी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक फॉइल लेना है। हमें इसे कटोरी के शेप में बनाना है और इसमें मैं डालूँगी कोयला। कोयले के ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा बटर और इसे ढक के मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अभी मैं कोयले को और फॉइल पेपर को बाहर निकालूँगी। अभी ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसे पाव, नान या राइस के साथ ज़रूर खाइए
और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।